इंडिया में 27% डेथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते। 70,000 मेडिकल सीट हैं अभी, और आप ये सोचिए 70,000 मेडिकल सीट के लिए 13,00,000 बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं, 6,00,000 डॉक्टर्स की अभी जरूरत है, लेकिन सीट तो 70,000 ही है। अब मतलब हर साल 70,000 ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं। इस हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हो तो 9 से 10 साल लग जाएंगे आज के सिनेरियो के हिसाब से, जितने डॉक्टर चाहिए। और उसमें भी समस्या ये है कि कितने डॉक्टर हैं जो कि विलेजेस या रूरल एरिया में काम करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च किया। इस चीज को समझिएगा। और अब ये शुरू होता है वीडियो का असली पार्ट, जहां पर अजीब सा सिनेरियो पैदा हो गया इंडिया में। अब रूरल एरिया में काम करने जाएगा कौन? जिसने कम फीस भरी, जो कम पैसों में डॉक्टर बन गया, उसकी तो इच्छा होगी ना कुछ सेवा करने की, तो वो शायद गांव की तरफ चला जाए। एंड आई वाज शॉक्ड जब मुझे ये मालूम पड़ा कि नीट स्कोर के बावजूद भी ये कॉलेजेस कितना चार्ज करते हैं। जरा सोचिए, इनकी फीस की रेंज है 3,00,000 रुपए से लेके 20,00,000 रुपए पर एनम, जहां पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 4,00,000 रुपए में 5 साल कंप्लीट एमबीबीएस कर सकते हैं। 4,00,000 रुपए 5 साल के, मैं मैक्सिमम रेंज बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी 80,000 रुपए के पर एनम के करीब है। अब इस हिसाब से गवर्नमेंट के बच्चों को छोड़ दें, जो कि मुश्किल से 20 से 30,000 होंगे जो साल भर में निकलेंगे, बाकी जितने भी डॉक्टर निकल रहे हैं वो कितना पैसा खर्च करें डॉक्टर बनने में? ओवरऑल वो 50,00,000 रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक डॉक्टर बनने में पे कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट या मैं नहीं कहता हूं, मैंने भी ये सब चीजें देखी है। अब आप ये सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है वो 50,00,000 रुपए से लेके 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने के बाद डॉक्टर बन रहा है, तो क्या वो रूरल सेक्टर में सर्विस करने के लिए जाएगा? नहीं, यहीं से करप्शन शुरू होता है। ये है समस्या की जड़। आज लोग एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पे मुंह फाड़ के कम 20 या 25 लाख की तो डोनेशन मांग लेते हैं। इस बात को आप गवर्नमेंट तक लेके जाइए, शेयर कीजिए, और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कुछ कदम उठाए जाएं।